लोग करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 10। सो द क्वेश्चन इज द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 7:2। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 8316 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। मतलब हमें इस सिलेंडर का टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करना है और हमारी जो हाइट और रेडियस दे रखी है वो हमें रेशियो में दे रखी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू 7:2। एंड हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर बाय एच इक्वल्स टू 7/2 इन द फ्रैक्शन फॉर्म। वी कैन ऑल्सो राइट इट दैट सो आर इक्वल्स टू आर एच को इधर करेंगे तो अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा मीन्स दिस। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे नाउ वी हैव टू डू इज हम लोग निकाल लेंगे इसकी वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम जो है हमें मालूम है कि 8316 के इक्वली आएगी। सो हम लोग अब यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। सो लेट्स डू इट। पाई की वैल्यू हमारी 22/7 होती है एंड हमारी आर की वैल्यू दी हुई है 7/2h। सो स्क्वायर मीन्स 2 बार इसे हम लोग लिखेंगे देन इंटू कर लेंगे हम लोग एच से बिकॉज एच हमारी हाइट है इक्वल्स टू 8360। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम यही है। नेक्स्ट कर लेंगे 7 × 7 एंड ये यानी कि 22 इंटू हम लोग इसे भी कट कर सकते हैं। सो 11 मीन्स हम लोग कर लेंगे 11 इंटू HHH मीन्स एच क्यूब। ओके सो 7h³/2 इक्वल्स टू 8316। सो नाउ वी हैव टू डू इट लाइक अब हमें करना है कि 11 का ये हो जाएगा 77h³ एंड 8316 इंटू 2 बिकॉज 2 को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हमारा जो एच क्यूब होगा वो हमारा होगा अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16632 और इसको जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एच क्यूब आएगा एच क्यूब इक्वल्स टू हमारा होगा 216। ओके अब हम लोग इनसे डिवाइड कर लिया अब हमें एच क्यूब का प्राइम फैक्टर कर लेना है। सो जब हम लोग एच क्यूब का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 मतलब हमें 2 क्यूब मिला। पेयर्स हमें इक्वल फैक्टर के पेयर्स बनाने हैं तो यहाँ पे 2 का 3 पेयर 2 3 बार है तो 1 पेयर एंड ये 3 है। सो नाउ वी हैव टू डू इट दैट एच इक्वल्स टू हमारा 2 × 3 मीन्स एच इक्वल्स टू 6। ओके सो अब हमें एच मिल गया। तो अब हम लोग यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे ना R इक्वल्स टू 7/2h हमारा दे रखा था मतलब हमारा जो R हो जाएगा वो हो जाएगा 7/2 × h की वैल्यू हमारी 6 दे रखी है मीन्स 2 × 1 = 2 and 3 = मीन्स हमारा R इक्वल्स टू हो जाएगा 21 एंड हमारे हाइट हमें तो h इक्वल टू हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे सिलेंडर का क्योंकि हमसे पूछा था टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो अब सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का होता है जो हमारा मतलब जो फॉर्मूला है वो होता है 2 × π × हमारा जो r है वो फिर हम लोग उसमें इंटू करते हैं ब्रैकेट में r प्लस एच मीन्स 21 + h सॉरी 6। ओके सो अब हम लोग इसे कर लेंगे ब्रैकेट को ऑफ एंड सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स होती है तो यूनिट लिख लेंगे देन सॉरी यहाँ पे 21 रहता है कि सो 7 × 7 and 7 × 3 = 21 नाउ 2 × 22 = 44 × 3 × 21 + 6 मीन्स 27 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सो नाउ वी हैव टू डू इट लाइक अब जो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो द आंसर इज 44 × 3 = 120 × 4 = 1 = 32 × 27 cm² इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाएगा 3564 cm² इज द आंसर। I hope you understand this question. Thanks for watching. Till the next video, do not forget to like, subscribe and share. Bye bye.
एंड अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बताना। ओके।